आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं तान्या पंडो वार्ड 5 से भाजपा की उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी सरकार और अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, वकील हूँ, कानून को जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे वार्ड में जो भी कमी पेशी है, जो भी काम होगा, मैं उसे अच्छे से एक लीगल वे में और तेजी से करवा सकती हूँ। आज सब बात करते हैं स्वच्छता की, सफाई की। भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 70 साल से लोग मजबूर हैं खेतों में शौच करने को, पर आज अगर घर घर में शौचालय बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी की वजह से बना है। 70 साल से कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगहें हैं जो अंधकार में डूबी थी, पर आज अगर घर घर में रोशनी है, आज अगर घर घर में एक रोशनी की किरण आई है, तो वो सिर्फ हमारे मोदी जी की वजह से। 70 साल से जो माताएं बहनें चूल्हा चौखा फूंकती आ रही हैं, आज अगर उनकी किसी ने परवाह की है, उनके बारे में किसी ने सोचा है, उन्हें निःशुल्क गैस का कनेक्शन देकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने सोचा है। फिर चाहे बात करें पक्के मकान बनाने की, जनधन खाते खुलवाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आयुष्मान भारत की, सुकन्या समृद्धि योजना की और अनेकों योजनाओं के बारे में सोचा है अगर किसी ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी ने सोचा है। अब मैं बात करना चाहूंगी रियासी क्षेत्र की। हमारे रियासी के विधायक श्री अजय नंदा जी ने भी म्यूनिसिपैलिटी के ना होते हुए भी रियासी में अनेकों कार्य करवाए हैं, चाहे वह कार्य रियासी कटरा रोड का क्यों ना हो, चाहे वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 30 साल से पड़ा हुआ भीमगढ़ फोर्ट का काम क्यों ना हो, महादेव मंदिर का काम क्यों ना हो, रंसू रोड का काम क्यों ना हो, फिर हम बात करें 30 साल से पड़े ग्रिड स्टेशन का काम क्यों ना हो, रियासी में बनाए गए शौचालय का कार्य क्यों ना हो, बाजार का निर्माण का काम क्यों ना हो, वार्डों में गली में टाइल लगाने का कार्य क्यों ना हो, ऐसे अनेकों कार्य करवाए हैं हमारे यहाँ के विधायक श्री अजय नंदा जी ने। अब मैं बात करना चाहूंगी हमारे वार्ड की। हमारे वार्ड में भी ऐसे छोटे छोटे या बड़े बड़े काम हैं जो पेंडिंग रह चुके हैं। उसका एक कारण ये था कि फंड रिलीज नहीं किए गए थे। अब म्यूनिसिपैलिटी के बनने के बाद 1,000 करोड़ का फंड रिलीज होगा, जिससे कि हर वार्ड में जो छोटा मोटा काम पेंडिंग रह चुका है उसे अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। हमारे वार्ड में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं पहुँचती है। हमारा एक ये प्रयास रहेगा कि उन स्थानों से कचरा निकालकर उनकी सही डंपिंग साइट पे पहुंचाया जाए। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जो कूड़ा फेंकने के स्थान बन चुके हैं, लोग दूर दूर से आकर वहाँ कूड़ा फेंकते जाते हैं, जिससे कि उनके आसपास रहने वालों को बहुत ही परेशानी होती है। तो एक प्रयास ये भी रहेगा कि उन जगहों को तुरंत साफ करवाया जाए। बाकी म्यूनिसिपैलिटी बनने के बाद एक कोशिश ये भी रहेगी कि जो रियासी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट लगने जा रहा है, उसे हमारी म्यूनिसिपैलिटी की वजह से जल्दी से जल्द लगाया जाए, ताकि उस कचरे का हम फ्यूल में और खाद में बदल सकें। और हमारे वार्ड में आवारा मवेशी, आवारा कुत्ते, बंदरों के आतंक की बहुत समस्या है, जिससे कि स्कूल आते जाते बच्चों को और वहाँ लोकल रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो एक हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि इन छोटी छोटी समस्याओं को भी दूर किया जाए। बाकी आप सबको मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राम गली रियासी में 27 लाख का सेंट्रल ड्रेनेज और टाइल्स का काम सेंक्शन हो चुका है, जो कि भाजपा म्यूनिसिपैलिटी के बनते हुए जो सभी काम मैंने आपको बताए हैं, वो जल्द से जल्द और एक अच्छे तरीके से हो। बाकी आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है, ये गुजारिश है कि इस पढ़ी लिखी युवा सोच, युवा जोश को भारी मत देकर विजयी बनाएं, ताकि मैं अपने पूर्व पार्षद श्री नरेश कुमार शर्मा जी के जैसे आप सबकी सेवा कर सकूं, इस वार्ड के कार्य कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय रियासत।